रतन टाटा का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। रतन टाटा पारसी समुदाय से थे। भारत में पारसी समुदाय अल्पसंख्यक है। आम लोगों को आज भी इस धर्म से जुड़ी मान्यताओं, नीति नियम की जानकारी कम है। आइए आज हम जानते हैं कि पारसी समुदाय कहां से आया और पारसी धर्म की परंपराएं कौन कौन सी हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप आज तक AI चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दुनिया में भारत ऐसा देश है जहां पारसियों की संख्या सबसे ज्यादा है। साल 2001 की जनगणना में पारसियों की आबादी 69,601 थी, जबकि साल 2011 में ये संख्या घटकर 57,264 रह गई। सबसे पहले जानते हैं कि पारसी शब्द का मतलब क्या होता है और वो कौन होते हैं। पारसी शब्द पर्शिया से निकला है। पर्शिया यानी आज का ईरान और पारसी यानी पर्शिया के लोग। पारसी धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से है। इसकी स्थापना जरथुस्त्र ने प्राचीन ईरान में 3500 साल पहले की थी। काफी समय तक ये ताकतवर धर्म के रूप में रहा, यहाँ तक कि ईरान का ये आधिकारिक मजहब था, जो कि आज एक मुस्लिम बहुल देश बन चुका है। 6वीं सदी तक ये लोग वहाँ फलते फूलते रहे। इसके बाद ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई, जिसमें लोगों पर धर्म बदलने का दबाव बनाया जाने लगा। धर्मांतरण के लिए राजी न होने वालों को मार दिया जाता। इसी दौर में पारसी समुदाय के लोग दुनिया भर में पलायन करने लगे। तभी इनका भारत आना भी हुआ। बड़ी संख्या में पारसी पूर्वी भारत की तरफ आने लगे। गुजरात के वलसाड से होते हुए मुंबई भी पहुंचे। इन दिनों ज्यादातर पारसी मुंबई में रहते हैं। माना जाता है कि मुंबई को असल में पारसियों की मेहनत ने ही बसाया है। वहाँ कई इलाके हैं जहाँ पारसी बस्तियाँ हैं और वहाँ आपको पारसी खान पान की झलक भी दिखाई देती है। पारसी काफी शिक्षित होते हैं और बिजनेस में भी जल्दी तरक्की कर जाते हैं। मुंबई में बड़े कारोबारियों में पारसियों की अच्छी खासी संख्या है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पारसियों की आबादी लगातार घट क्यों रही है। इसे जानने के लिए हमें उनकी शादी ब्याह के तौर तरीकों को समझना होगा। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि फिलहाल शादी की उम्र के 30% पारसी अविवाहित हैं। जो शादी कर चुके उनमें भी बच्चा देर से करने या न करने का चलन है। इस समुदाय की फर्टिलिटी रेट 0.8 है। इसके मायने ये हैं कि हर साल अगर 300 पारसी बच्चे जन्म लेते हैं तो 800 लोगों की मौत हो जाती है। इस धर्म में एक नियम ये भी है कि अगर पारसी युवती अपने धर्म से बाहर शादी करती है तो वो पारसी नहीं मानी जाती। कई बार युवती ज्यादा पढ़ी लिखी या कामयाब होती है, उसे अपने समुदाय में अपने मुताबिक लड़का नहीं मिल पाता। ऐसे में वो मजबूरन दूसरे धर्म में शादी करती है या फिर बहिष्कार के डर से अविवाहित रह जाती है। ये काफी कॉमन है। यही हिसाब किताब पुरुषों के साथ है। वो हालांकि अपने धर्म से बाहर नहीं किए जाते, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव रहता है कि वो भी अपने धर्म की लड़की से जुड़े। गैर पारसी से शादी करने वाली लड़की को सिर्फ धर्म से ही नहीं और भी कई चीजों पर उस पर रोक लगा दी जाती है। सबसे बड़ी रोक है कि वो लड़की अपने पिता के निधन पर जाकर प्रार्थना में भी शामिल नहीं हो सकती है। वैसे तो हर धर्म में धर्मांतरण के अलग नियम हैं, लेकिन पारसियों में ये इतने सख्त हैं कि किसी दूसरे धर्म का शख्स चाहकर भी पारसी नहीं बन सकता। पारसी होने के लिए धार्मिक शुद्धता को पहले रखा जाता है, इसलिए ही किसी अन्य को धर्म अपनाने की इजाजत नहीं दी जाती है। वहीं बाकी धर्मों के लोग इसलिए भी बढ़ रहे हैं क्योंकि उसमें किसी को भी शामिल होने की छूट रहती है अगर वो कुछ खास बातों का पालन करे। शादी की बात करें तो पारसी समुदाय में शादी के दो चरण होते हैं। पहले चरण में दूल्हा और दुल्हन अपने परिवार और रिश्तेदारों के सामने एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। वहीं दूसरे चरण में दावतों का दौर शुरू होता है, जो हैसियत के मुताबिक 3 से 7 दिन तक चलता है। पारसी समुदाय के अंतिम संस्कार का तरीका बिल्कुल अलग होता है। जिस तरह से हिंदुओं में शव जलाया जाता है, इस्लाम और ईसाई धर्म में शव को दफनाया जाता है, वहीं पारसी लोगों में शव को आसमान को सौंपते हुए टावर ऑफ साइलेंस के ऊपर रख दिया जाता है। लेकिन ये टावर ऑफ साइलेंस क्या होता है, आइए ये भी जान लेते हैं। टावर ऑफ साइलेंस को दखमा कहा जाता है। टावर ऑफ साइलेंस एक गोलाकार ढांचा होता है
जिसके ऊपर ले जाकर शव को सूरज की धूप में रख दिया जाता है, जिसके बाद गिद्ध शव को आकर खा जाते हैं। गिद्धों का शवों को खाना भी पारसी समुदाय के रिवाज का ही एक हिस्सा है। इस अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को दोख में नाशिनी कहा जाता है। पारसियों में शव को सूरज की किरणों के सामने रख दिया जाता है, जिसके बाद शव को गिद्ध चील खा लेते हैं। पारसी धर्म में किसी शव को जलाना या दफनाना प्रकृति को गंदा करने जैसा माना जाता है। पारसी समाज में शव को खुले आसमान में छोड़ देने के पीछे भी एक महत्वपूर्ण कारण होता है। दरअसल पारसी समुदाय में माना जाता है कि मृत शरीर अशुद्ध होता है। पारसी लोग पर्यावरण प्रेमी होते हैं, इसलिए वो शरीर को नहीं जलाते हैं, क्योंकि इससे अग्नि तत्व अपवित्र हो जाता है। वहीं पारसियों में शवों को दफनाया भी नहीं जाता है, क्योंकि इससे धरती प्रदूषित हो जाती है, और पारसी शवों को नदी में बहाकर भी अंतिम संस्कार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे जल तत्व प्रदूषित होता है। पारसी धर्म में पृथ्वी, जल, अग्नि तत्व को बहुत ही पवित्र माना गया है। इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।